ये क्या है? इक्वेटर। ये इक्वेटर क्या होता है? हाँ, जमीन के सेंटर से एक लाइन बनाई, क्या ये करेक्ट? मैं ऐसे लिख लेता हूँ लाइन। वैसे एक मीटर लाइन नहीं बोलते हैं, लेकिन ये है एक लाइन, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे आप सेंटर बोल रहे हो ना, तो जमीन का सेंटर कोई ऐसे डॉट होगा, पॉइंट होगा, इसलिए मैंने इसके बीच में क्या लिख लिया, लाइन। एक लाइन है, ये लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर है जमीन का। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं ऐसे, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। ये पैरेलल्स हैं एक दूसरे के। यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ से ऊपर जो होगी ए, वन, टू, थ्री, और यहाँ कितनी होती है, यहाँ तक टोटल कितनी होती है? 90 लाइन होती है। ये कितनी? 90 किस कहाँ पे है? नॉर्थ पोल। पोल नहीं बनेंगे इसको हम। इक्वेटर जो है जमीन को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये इसको मान लेते हैं गोला। गोला मीन स्पेयर है ना, फुल स्पेयर है ये पूरा गोला। अगर इसको हम ऐसे काट दें, अब इसको काट नहीं सकता मैं, सपोज हम इसको काट दें, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना, आधा गोला ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे। आधे गोले को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। हाँ, ऊपर वाला है तो कौन सा स्फीयर हो जाएगा? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। और जो नीचे उसको क्या बोलेंगे? हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। हेमी का मतलब आधा। वन अपॉइंट टू का मतलब हाफ। तो आधा हेमिस्फीयर ऊपर, आधा नीचे। 90 ये क्या है, क्या बोला था आपने इसको? लेटीट्यूड। नाइन्टीज लेटीट्यूड जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 90 नीचे होंगे। टोटल कितने हो गए? 180। ये टोटल 180 हो गए। कितने हो गए? 180। इसी तरह कुछ लाइंस जो है ग्लोब पे ऐसे होती है। ये कितनी है? कितनी है ये? कितनी है? यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, कितनी है ये? कितनी? 360। कौन बोल रहा है? लॉन्गिट्यूड। और इनका नंबर कितना है? 360। 360 है ये। ठीक है जी, क्योंकि सर्कल में घूमना है तो सर्कल का टोटल केंद्र कितना बन जाता है? 360। जैसे ये सर्कल है ना मेरे पास, ये ऊपर से ले रहा हूँ मैं सर्कल, ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रा करूंगा, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये 90। ये 90। और ये 90। तो टोटल 360। ये लाइंस दिख रही है सबको? ये जो ऐसे पैरेलल्स लाइन बनाई हुई है, ये क्या है? लेटीट्यूड। और ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस दोनों को, ठीक है, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? अभी जो आपने पढ़े, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे ये यहाँ सपोज ये मानते हैं हम जाना है, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ ना जमीन पे, ऐसे खड़ा हूँ ना, कुछ लोग यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रीज यहाँ पे, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरा क्वेश्चन है आपको, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो ऐसे नीचे क्यों नहीं गिरते?
लोग तो इधर भी रहते होंगे नहीं, जैसे इधर रहते हैं तो इसके ऊपर पांव रखे मैंने ना, खड़ा हूं ना मैं भी, आप भी खड़े हो। जो लोग यहाँ रहते हैं वो इसे नीचे क्यों नहीं गिरते जमीन से? ऊपर भी होना के बैठते हैं। हां इक्वेटर की तरफ वो कैसे खड़े होंगे? वो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ है ना, ऐसे खड़ा हूँ ना, इधर इधर जो लेग रहते हैं कैसे खड़े होंगे आप? इधर जैसे ये संजय है, मान लो ये संजय, ऐसे ये संजय पेन, अब पेन बन गया संजय, ग्लोब पे आ रहा है संजय, कैसे खड़ा यहाँ पे आप आओगे, कैसे खड़े रहोगे हैं? जैसे कैसे तो इसे तेरे पांव जमीन पे हैं, कैसे खड़े रहोगे? कैसे रहोगे इधर? कैसे ग्लोब पे उतारना मुझे, जमीन पे कैसे खड़ा? ये ग्लोब जमीन का मॉडल है ना, इस पे कैसे खड़े हो आप? चलो ऊपर जाएगा तो ऐसे खड़ा रहेगा, मैं मान लेता हूँ इधर लगा खड़ा है, ठीक है, तो जब इधर आएगा तो इधर कैसे खड़ा रहेगा? नीचे नहीं गिरेगा लगभग गोल है, जो योड मैंने लगभग गोल है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसे बोला मैंने ना, तो हम मान लेते हैं गोल एवरेज लेते हैं, ठीक है। जब आप इधर खड़े हो ऐसे खड़े हो ना, जैसे अब इधर हो तो इधर आओगे तो नीचे नहीं जाओगे, इधर कैसे खड़े रहोगे वो बताओ? जैसे ये आपका सर है, ये क्या है और ये पांव है, तो ऐसे संजय यहाँ पे खड़ा है, देख रहे हो संजय के नाम चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे जब आएगा क्या करेगा वो? ऐसे नीचे नहीं गिरेगा? जल्दी बताने का टाइम नहीं, क्यों नहीं इक्वेटर की तरफ खींचेगी, इधर तो ऐसे खड़ा है, इक्वेटर पे कैसे खड़ा रहेगा? बता देखो, अगर पोल पे जाओगे ना आपके सर ऐसे रहेगा, इधर जब आओगे ना कैसे खड़े रहोगे? हम ऐसे रहेंगे, हम एक गांव खींच रही जमीन अपने सेंटर की तरफ, इसका सेंटर अंदर है बीच में गई, ये गांव खींच रही है सेंटर की तरफ, तो जब संजय इधर आएगा इधर कैसे रहेगा? सार नीचे रहेगा, ऐसे रहेगा, लेकिन खींच कौन रहा है इसको? ग्रेविटी कहाँ खींच रही है? सेंटर की तरफ। हाँ तो संजय इधर आएगा तो इसका सर ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे, लेकिन ये नहीं सोचेगा मैं उल्टा हो गया, ये सोचेगा मैं खड़ा ही हूँ, इसको नहीं पता चलेगा। तो जमीन में जब भी आदमी चलता है इस पे ऐसे होता रहता है, इधर जाता है तो सर नीचे हो जाता है, क्योंकि जमीन कहाँ खींच रही है? अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींचती है ना, तो इधर आता है तो ऐसे होता है, बिल्कुल खड़ा आदमी ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसे रहता है और यहाँ पे ऐसे रहता है। जमीन जो है किस तरफ खींच रही है? खींचने वाली कौन चीज है? ग्रेविटेशन, वो जमीन के सेंटर की तरफ है, इसलिए संजय नीचे यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। नॉर्थ पे 23.5, इसी तरह यहाँ पे भी 23.5 डिग्री, इन नाइन्स के नाम लगे हैं, जैसे जीरो डिग्री लेटीट्यूड, ये जीरो डिग्री लेटीट्यूड है ना, इसका नाम क्या है? इक्वेटर। इसी तरह हर डिग्री का कुछ नंबर है, 10, 20 जो भी होगा, 90 तक है ना, इसी तरह जो 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है उसका क्या नाम है? उस पे ग्लोब पे भी लिखा हुआ है, जल्दी देख के बताना मुझे, देखते हैं पहले कौन बताएगा। वाले को बोलते हैं ट्रॉपिका, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिका कैप्रिकॉर्न, इसमें लिखेंगे एन और इसमें क्या लिखेंगे? एस। एन का मतलब ये नॉर्थ, नॉर्थ क्या ये? एन का मतलब क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये क्या है? साउथ हेमिस्फीयर। ये सन भी मूव करता है यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये इतना ही मूव करता है जो ये लाइन मैंने बनाई है, कौन सी? इस पर जाता है कहाँ तक? 23 डिग्री तक ही जाता है ये, फिर वापस कहाँ पे आता है? 23.5 जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, एक दिन ऐसा भी आता है उनके सीधा सर के ऊपर यहाँ पे ऐसे खड़े होंगे ना लोग, तो उनके सर के ऊपर क्या होता है? सन होता है, ये सन यहाँ तक आता है। जो लोग 23.5 डिग्री
लेटीट्यूड तक रहते हैं, उनकी जिंदगी में साल में एक बार सूरज उनके सर के ऊपर आता है। हमारे सर के ऊपर आता है कभी? आता है। इधर इंडिया का मैप है, इंडिया देखो 10 डिग्री पे, कितने पे? 10 डिग्री। तो कहाँ तक आता है ये? 23 तक। किधर तक आता है? ठीक है, यहाँ तक। जम्मू कश्मीर के ऊपर कभी नहीं आता है ये। हमें जब भी सूर्य दिखता है तो किस तरफ दिखता है? किस तरफ? साउथ की तरफ दिखता है। हमारे सर के ऊपर कभी आया? नहीं आता है। अगर आप कहाँ पे जाओगे, ये वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात से नीचे जितने भी स्टेट है इनमें जाओगे तो एक बार सूरज सर के ऊपर आता है। ये जो सूरज है इस इतने के बीच में घूमता रहता है। इनके बीच में जो लोग रहते हैं, इंडिया के भी कुछ स्टेट आते हैं नीचे वाले सब, इनके सर पे सूरज आता है। इसके यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। इक्वेटर पे ये दो बार आएगा, ठीक है। जब यहाँ से इधर जा रहा है तब भी इक्वेटर पे आएगा, इधर पहुंचेगा फिर वापस आएगा, मतलब साल में दो बार इक्वेटर पे सर पे सूरज आ जाता है। सर पे सूरज आने का मतलब बहुत गर्मी हो जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं साल में एक ही बार इधर आएगा, एक साल लगेगा उसको इधर आने में, एक साल की रोटेशन बता रहा हूँ। फिर मान ले क्या मान ले, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12,740। ये याद रखना, कितने? 12,740 किलोमीटर। तो नहीं बता रहे 12,740 किलोमीटर। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा।